हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शटरिंग मटेरियल। तो शटरिंग मटेरियल में जैसे आपका प्लाई, वॉलर, टाई रॉड, विंग प्लेट, विंग नट, इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि फ्रेशर्स को क्या होता है ना, बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। और अब जैसे ही उनको बोलोगे कि जाओ 1200 का वॉलर लेकर आओ, देखो कहाँ पे वॉलर है, टायरॉड है या टायरॉड लेकर आना है, विंग नट, विंग प्लेट, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता इन मटेरियल्स के बारे में। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लाई कैसा होता है, प्लाई का डायमेंशन क्या होता है, बैटन क्या होता है, क्यों हम लोग प्लाई में बैटन प्रोवाइड करते हैं। मतलब डिटेल वीडियो मैंने ऑन साइड जाकर आपको बताया है कि वॉलर किस तरीके से प्रोवाइड करना है, वॉलर क्यों प्रोवाइड करते हैं, टायरेट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, विंग नट क्या होता है, विंग प्लेट क्या होता है। तो इस पर एक डिटेल वीडियो है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको साइट पे ही दिखाता हूँ कि हमारी शटरिंग मटेरियल कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ, 5-6 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो प्लाई, प्लाई का आपको मालूम होगा, तो ये आपका प्लाई है। प्लाई की जो थिकनेस होती है वो होती है 10 mm, और उसका जो डायमेंशन रहता है वो होता है 1200, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक उसकी जो हाइट रहेगी वो 1200, और ये जो लेंथ रहता है यहाँ से यहाँ तक वो रहता है 2.4, ठीक है। ये प्लाई हो गया, प्लाई का जो डायमेंशन है 1.2 × 2.4, और इसकी जो थिकनेस रहती है, मोटाई रहती है, वो होती है 10 mm। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है बैटन। आपने साइट पे सुना होगा वी हैव टू प्रोवाइड बैटन ऑन प्लाईबोर्ड, तो ये आपका बैटन है। ये आपका 100x70 है, मतलब ये 100 इधर से है और 70 इधर से है, 100 mm × 70 mm, ठीक है। ये बैटन है। एक प्लाई में आपको कम से कम 3 से 4 बैटन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक आपको ऊपर में प्रोवाइड करना है, फिर यहाँ पे बीच में हम लोग 2 प्रोवाइड किए, लास्ट में। ये डिपेंड करता है कि आपका वॉल का हाइट कितना है, या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका थिकनेस कितना है, उसके हिसाब से ये वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि प्लाई को, कि जब आप प्लाई में पोर करोगे, मतलब कंक्रीट जब पोर होगा, तो डैट टाइम आपका प्लाई भाग नहीं जाएगा। अगर आप इसको प्रोवाइड नहीं करते हो तो प्लाई क्या होगा, भाग जाएगा, बल्ज हो जाएगा। तो प्लाई को बल्ज होने से रोकने के लिए हमें ये बैटन प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी क्या है कि हमने बैटन प्रोवाइड कर दिया, अप्लाई हो गया। अभी क्या है कि ये जो बोर्ड है वो अलाइनमेंट में रहे, ठीक है, और इसके ऊपर जब कंक्रीट पोर हो तो ये बोर्ड बैटन के साथ बाहर नहीं आए, देन हम लोग को एक और चीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है, वो होता है वॉलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्टील का वॉलर है, ये यहाँ पे देखो, ये हमने स्टील से वॉलर बनाया है, 25 mm का स्टील है। तो आप स्टील से भी वॉलर बना सकते हो या फिर चैनल से। आप ये देखते हो यार साइड पे, ये अपना वॉलर है जो चैनल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये वॉलर है, इसकी भी जो हाइट है वो 1200 है। ये और भी लेंथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट था वो 1200 का था, क्योंकि ये हम लोग 1200 में इसको कॉन्क्रीट करने वाले हैं। तो ये हो गया वॉलर, एक आपका ये हो गया टाइप, ठीक है, जो आपका चैनल का बना हुआ है। दूसरा है कि आप इसका स्टील का बना सकते हो, जैसे कि ये 25 का सरिया भी है, आप 16 भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप देखते होगे टाई रॉड, तो ये है अपना टाई रॉड, ठीक है। आपने वॉलर तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वॉलर को फिक्स कैसे करोगे, तो हम लोग इसको टाई रॉड की हेल्प से फिक्स करते हैं। ये अपना टाई रॉड हो गया, जो दोनों तरफ से, मतलब आपने जो आपकी जो शटरिंग है वो दोनों साइड है, वॉल है तो वो दोनों साइड रहने वाली है, तो उस तरफ भी रहेगा। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, वॉलर प्रोवाइड करते हैं, और फिर दोनों के तरफ से हमारा ये निकल कर आता है टाई रॉड, ठीक है। जहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये थ्रेड बना हुआ है। मिनिमम आपको थ्रेड 300 प्रोवाइड करना है, इसलिए प्रोवाइड करना है ताकि आप उसको बाद में भी यूज़ कर पाओ। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे हमारा लगभग 1 मीटर के जैसा पूरा का पूरा वेट हो जाता है, तो आप 1 मीटर का तो टाई रॉड दोगे नहीं, क्योंकि उतना का तो ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग थ्रेड पार्ट 300 mm रखते हैं, रेड्स जो बचता है वो हम लोग सरिया को क्या करते हैं, वेल्ड करके ऐड कर देते हैं रिक्वायर्ड लेंथ, जैसे कि हमारा 1 मीटर है। तो 1 मीटर में हम 300 mm क्या रखेंगे, अपना टाई रॉड रखेंगे जो थ्रेड बना हुआ रहेगा, और बाकी जो 700 mm है उसको हम लोग वेल्ड करके सरिया डाल देते हैं, ठीक है, 16 mm का सरिया लगा देते हैं। तो हमारा 1 मीटर हो गया, रिक्वायरमेंट हमें 300 mm का ही था, ठीक है। तो ये हो गया टाई रॉड। अब टाई रॉड को टाइट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, एक विंग नट चाहिए होता है, दूसरा हमें विंग प्लेट चाहिए होता है। तो ये हमारा विंग नट है और ये हमारा विंग प्लेट है, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि विंग नट क्या होता है, विंग प्लेट क्या होता है। तो आप विंग नट देख सकते हो, ये इस तरह का दिखता है विंग नट। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब दोनों तरफ आप देख सकते हो कि विंग जैसा कुछ बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा विंग नट। और ये जिस पर आपको इस पर कसना है, टाइट करना है, तो आपको प्लेट देना होगा, तो ये हो गया आपका विंग प्लेट। उसके बाद क्या है कि जब हम लोग टाई रॉड डालते हैं ना, तो टाई रॉड आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ड्रिल करके, ये आपका पीवीसी है, ठीक है,
पीवीसी आपको सबसे पहले अपने प्लाई में ड्रिल करके पीवीसी डाल देना है और पीवीसी के अंदर आपको ये टायरॉयड डालना है। अगर आप पीवीसी प्रोवाइड नहीं करते हो और कास्ट कर दोगे तो ये आपका टायरॉयड अंदर जाम हो जाएगा, ये बाद में निकलेगा नहीं। इसको बाद में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वहाँ से जाम करना होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले प्लाई में ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें पीवीसी पाइप डालते हैं और पीवीसी पाइप भी डालोगे तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर शटरिंग ऑयल लगा हुआ है। शटरिंग ऑयल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसको स्मूथली बाहर निकालने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टायरॉयड हो गया, वॉलर हो गया, बैटन हो गया, प्लाई हो गया। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि जो आपका जो टायरॉयड है, देखो जैसे कि ये आपका, जैसे मैंने आपको टायरॉयड के लिए बोला, ये हमारा टायरॉयड है, ठीक है। तो ये लगभग इसका जो हाइट है वो 1 मीटर है, तो ये बस 16 का सरिया यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि इधर इसका कोई ज़रूरत नहीं था। हमें जिस तरफ कसना है वहाँ पे हमें थ्रेड चाहिए होता है, तो ये अपना थ्रेड वाला पार्ट था। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको वेल्ड कर दिया है, ये लगभग 300 mm है इसका, वेल्ड कर दिया है। 50 mm में भी कास्ट हो, मतलब आपका टाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि छोटा काटोगे ना तो फिर बाद में यूज़ नहीं होता है, इसलिए कम से कम 300 काटो ताकि आप बाद में भी उसको कहीं पर भी यूज़ कर पाओ। और ऊपर में आपको इसके हेड पे इस तरह का टी शेप करके वेल्ड कर देना है सरिया को काट कर, ताकि इसको हैंडल करने में आपको इजी हो। जब आपको रिमूव करना होगा तो इजीली रिमूव हो जाएगा, मतलब हैंडलिंग पर्पस से आपको टॉप पे इस तरह से सरिया को कट करके टी शेप में वेल्ड कर देना है। उसके बाद फिर आप प्रॉप जैक वगैरह सपोर्ट, अभी तो इतना हो गया लेकिन अभी भी क्या है कि आपको इसमें और भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। वॉलर देने से क्या होता है ना कि आपको जैक कम मारना होगा, मतलब एक्सटर्नल जो सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो कम प्रोवाइड करना होगा। मैं आपको यहाँ पे आपको जैक भी दिखा देता हूँ, प्रॉप जैक जिसको बोलते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि देखो ये सपोर्ट, यहाँ पे प्रॉप जैक वगैरह सब मरा हुआ है, तो ये सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर दिए। वॉलर देने से फ़ायदा ये होता है कि कास्ट करोगे, जब कंक्रीट पोर करोगे तो आपका जो शटरिंग है वो हिलता नहीं है, और इसमें आपको प्रॉप जैक कम प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो प्रॉप जैक बहुत प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर वॉलर नहीं होता तो बहुत चांसेस होता है कि आपका वॉल इधर से भाग जाए, इसलिए आपको वॉलर प्रोवाइड करना है। हाँ, फिर वॉलर के साथ साथ आपको प्रॉप जैक प्रोवाइड करना है। तो होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और शटरिंग पे अगर कोई और वीडियो चाहिए, किसी और कंपोनेंट पे चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।